आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो लगे तो चैनल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। तो चलते हैं आज की वीडियो के, वीडियो का टाइटल व्हाई इज इंडिया ग्रेट टू। तो भाई ये पता चलता है कि क्यों इंडिया ग्रेट इतना हो रहा है, दुनिया इसको क्यों महान मानती है, ये दुनिया इसकी तरफ क्यों झुक रही है, क्यों जिस तरह वो समझ के शहद की मक्खियां शहद की तरफ आती हैं, क्यों आ रही है दुनिया की तरफ। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर अपना रिएक्शन। हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 we'll destroy China's population 1.4 billion or uneven social stratification, या हमारा system, political issues, terrorism, poverty, inequality, illiteracy, right? No, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हीमा दास, पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पूछता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। There is no country more diverse than India, रंगों का देश जहां हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेंपल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहां जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहां 3 लाख से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था, यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहेगुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा इन गेट 100% धोखा फ्री है, जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है।
The use of cell phones is strictly prohibited. और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो. As a matter of fact, India invented posting shit on the walls long before Facebook. दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है. और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं. और साथ ही भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन. वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है. क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है. आधे से कुछ ज़्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम. भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है. ज्योति अमगे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन द अर्थ. और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं. और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री. एंड वी हैव रिकॉग्नाइज थर्ड जेंडर. एवरीवन इज गारंटीड देयर राइट्स इन आवर कंट्री. और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब. दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है. और यहां सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है. और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है. द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरू भाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील, रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जगुआर, लैंड रोवर एंड द टाटा ग्रुप, एंड CEO ऑफ गूगल, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, पेप्सिको एंड मैनी मोर. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है. और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st Century Fox, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं. और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट. और पूरे वर्ल्ड में Amazon प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है. माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है. स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान. पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान. दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1,00,000 वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत. दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत. विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं, वो जवान, वो सैनिक है भारत. ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है, ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए. और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है. That's why India is great nation. और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है,
तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। तो जी ओ यार, इस वीडियो में जो जो बता दिया गया है ना, वो तो वाकई में अनबिलीवेबल। कहां से शुरू करूं, कौन सा पहले पकड़ूं, कौन सा कबड्डी से पकड़े भाई, कबड्डी पकड़ लेते हैं, कबड्डी में पकड़ पकड़ाई होती है, वहां से एक छोड़ा दूसरे पकड़ा। अच्छा, कबड्डी का कोई एक वर्ल्ड कप, एक वर्ल्ड कप जीती, पक जीती कि नहीं जीती, पता नहीं, नहीं जीती, नहीं ये नहीं, मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है क्योंकि भाई ने जो बता रहा है वो कह रहा है कि सारे वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया ही जीती, पाकिस्तान नहीं, एक वर्ल्ड कप का मुझे डाउट है, नहीं मेरे ख्याल में नहीं जीती वो, नहीं जीती एक भी वर्ल्ड कप, मुझे लगता है कबड्डी का पाकिस्तान ने जीती। बाकी टीमें तो इनसे शायद इनके हम बराबर ही कोई नहीं है, इंडिया के और पाकिस्तान के, हमेशा फाइनल जो होता है वो हमेशा पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ही होता और हमेशा ही पाकिस्तान हार जाता है। मतलब वो ना उन्होंने पूरे अपने, आज भी ये एक ट्रेलर था, उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी में बता दिया कि हमने ये किया, हमने गंगलयान मिशन, मार्स की तरफ मिशन, इंडिया का, इंडिया पहला कंट्री है जिसने पहले अटेम्प्ट में उधर मतलब कामयाब मिशन किया है। भाई जिधर भी जाते हैं कामयाबी मेरे काम पर, आप कैसे सोचो, कैसे मेहनत है भाई, स्टडी, एजुकेशन, उनके अंदर डाइवर्सिटी, एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर मुख्य दुनिया की टेक्नोलॉजी समोई हुई है, यूएसए के साथ ताल्लुक अच्छा, रशिया के साथ ताल्लुक अच्छा, इसराइल के साथ ताल्लुक अच्छा, सऊदी अरब के साथ ताल्लुक अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान, जर्मनी, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया सिवाय पाकिस्तान के, चाइना के, बल्कि चाइना की भी टेक्नोलॉजी उधर जाती आती है, सिवाय एक बदबख्त ये पाकिस्तान कंट्री है जो इनसे फायदा नहीं उठा रहा। एक और भी कंट्री है भाई, कौन सा, नॉर्थ कोरिया, बात वक्त यार पाकिस्तान की, मैंने आपको कितनी मरतबा कहा, हम अपनी बात के करें, हम बात मतलब कि हम बोले हैं, हम गंदे हमारे हुक्मरान गंदे, कंट्री का नहीं, ये अच्छा चले चले, इनकी पूरी एक एक शॉर्ट समझ फिल्म में थी, गंगलयान का बात है, फिर चंद्रयान की बात है भाई, मैं सोच रहा हूँ शौक हो गए थे, हो गया, भूल भी गया, इतने ज्यादा इकट्ठा जो है ना एक मवाद कर दिया है, पता नहीं चला कि कौन सा बोलूं, कौन सा बयान करूं, एक से एक सुपर था भाई, जो इनका चंद्रयान मिशन है, ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, उसमें क्योंकि चंद्रयान अभी जाना था, हाँ चंद्रयान जाना था, तो भाई इसके अलावा और चंद्रयान के बाद G20 समिट जो हुआ है भाई, उसके अलावा जो भी वर्ल्ड कप हुआ है, मतलब कि हर चीज इंडिया में जो है ना क्लोज है, ट्रांसफर हो रही है यार, क्या करें, चंद्रयान 3 भाई उसकी कामयाब लैंडिंग, आदित्य आयल और इंडिया, और उसके बाद G20 समिट, और उसके बाद आप देख लें कि भाई जो वहां पे जी समिट में इकोनॉमिक कॉरिडोर की बेस रखी गई भाई तय किया गया चंद्र, उसके बाद देख लें कि भाई वो एक स्नूकर का उसका नाम, यार बड़ी बातें भी कर रहा हूं, स्नूकर वाला वो भी रिकॉर्ड इनके नाम, और बहुत से, मैं कहता हूँ कि अनगिनत जो हमारी मेरे ख्याल में जेन से भी निकल गए हूँ, इतने रिकॉर्ड इंडिया वालों के, अच्छा जो के बहुत जबरदस्त है यार हर लिहाज से, गंगलयान जो है वो तो उसमें तो इंडिया पहला कंट्री है ही है, चंद्रयान का जो मिशन था, जो उनका पोल था चांद का, जिस पोल पर वो उतरा है ना इंडिया, उस पोल पर पहले कोई कंट्री गया ही नहीं है, हालांकि रशिया ने उनको पता नहीं क्यों जल्दी से जल्दी जल्दी में कोशिश की थी लेकिन फ्लॉप हो गया। तो गिरम जो आप बोल रहे, क्या बोल रहे थे तुम, मुझे मैं ना बोलना चाहता हूँ कि जो इंडिया है ना अपने हीरो की कदर करता, पाकिस्तान नहीं करता, हमारे जो यार जिसने बहुत वेट उठाया था यार, मोटा सा था हमारे पाकिस्तानी, इंडिया के, इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल जे बी एन का, इंडिया के, इंडिया में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, स्कूल भी पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस था, ऊंचा सबसे क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, रेल ब्रिज था रहमतुल्लाह याद आया, रेल ब्रिज कश्मीर में, वो भी जिसके बारे में पाकिस्तान ये कहते हैं कि उधर कुछ नहीं हो रहा, दुनिया में सबसे ऊंचा बेहतरीन जो है वो रेल ब्रिज, मतलब कि ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम गिनवाने बैठ जाए, बिजनेसमैन देख ले, बिजनेसमैन, अडानी, क्या नहीं, इसलिए तो महान है वो,
क्या नहीं, तो नहीं खैर अंबानी है, अंबानी और अडानी तो यार आपने मुझसे पूछ करके बात, उसके बाद गूगल का सीईओ, उसके बाद देख ले यूके का भी वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, क्या क्या यार भाई, कैमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, कैमला हैरिस इंडियन ओरिजिन, इंडियन की है वो, यूके की अपना ऋषि सुनक, अभी रिसेंटली 2024 के पहले महीने में लक्ष्य होने वाले, हो सकता है रामास्वामी उनके, जिस तरह वो न्यूज आ रही है अमेरिका के, अच्छा मेरी बात माइक्रोसॉफ्ट कहां से शुरू करें, हीरो की बात कर रहा हूँ कि जब वो जीत कर आया उसने सबसे ज्यादा यह वेट उठाया था, वो बट था पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं, मतलब काफी महीने हो चुके हैं, और इंडिया ने उस वक्त अपने जो इस तरह के स्पोर्टमैन थे उनको इनाम दिया था हमसे 3-4 गुना ज्यादा, और हमारे शुभाष जो थे उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपया दिया था, और वो कहते थे ये हमारी इतना भी ना देते, वो ये कहते थे कि ये हमारी चंद दिनों के खुराक के पैसे हैं, ये जो हमारे 50,000 दे रहे हैं। और अभी नीरज चोपड़ा, तुम भूल गए इस वीडियो में नहीं है लेकिन मैंने बता देता हूँ, नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पर, वो जैवलिन थ्रो में, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो इस वक्त पहले नंबर पर है, पाकिस्तानी भी थे उसमें दूसरे नंबर पर आए सेकंड, क्या उनका नाम है यार, नदीम का क्या यार उसका नाम, शायद नदीम आई थिंक नाम है उसका, इस्लाम का था जो भी था, लेकिन दुनिया पहले वाले को याद रखती दूसरे वाले को नहीं याद रखती, ज़हन में रखना, पिछली मरतबा तो यार वो आ रहा था फर्स्ट, उस वक्त नीरज चोपड़ा भाई अनफिट था, वो तो जो भी मतलब, लेकिन आ रहा था ना, गोल्ड मेडल जीता आया था लेकिन नीरज चोपड़ा था अनफिट था जिसकी वजह से वो पहले नंबर आ गया, अदरवाइज नीरज चोपड़ा जाना था, उसके बाद वो लड़कियां जो थे, लड़कियां भी इंडियन की पीछे नहीं है भाई, क्रिकेट में देख रहे, फुटबॉल में देख रहे भाई, वो मैराथन रेस की बात कर रहे हैं, रेस की बात, वो कह रही थी कि गोल्ड मेडल, हां 22 वो भी चंद एक मतलब एक दिन में एक इवेंट के अंदर ही एक वो चल रहा है, घंटों के दौरान उसने, नहीं घंटों नहीं, इससे ये शो होता है, ये पता चलता है कि भाई इंडिया जो है ना वो हर लिहाज से असर कर रहा है, हर लिहाज से वो डेवलप है, इसलिए तो महान है, हां एशिया के, हालांकि चाइना के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है तो, लेकिन एशिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा जो सबसे ज्यादा अमीर बंदा वो अडानी अंबानी है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सुंदर पिचाई अडोब के सीईओ, उसके बाद वर्ल्ड बैंक के सीईओ, उसके बाद आईएमएफ की जो डायरेक्टर है, उसके बाद रतन टाटा, मतलब हम कहाँ से उनको देखें, कहाँ से उनकी छाप देखें, पूरी दुनिया को उनकी छाप चढ़ चुकी है, इसलिए इंडिया महान है, ये रीजन है व्हाई इज इंडिया ग्रेट, क्योंकि चाइना थोड़ा सा है, सिर्फ उसकी ये एक रीजन है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होती हैं, लेकिन इंडिया ने ऑल ओवर टैलेंटेड पावर से पूरी दुनिया को कवर कर लिया है, ऐसा अडोब है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो भी है आप सब जानते हैं, इसलिए इंडिया महान, उनके लोग टैलेंटेड है, मजेदार थी वीडियो, बड़ा मजा आया वीडियो देखकर, उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो देख मजा आया ना, लाइक शेयर करते हैं, मिलता नहीं वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।